नमस्कार दोस्तों दोस्तों वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच चल रहा है और पहले टी20 मुकाबले की पहली पारी में 18वें ओवर में अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी कर रहे थे। सामने दिनेश कार्तिक थे और नॉन स्ट्राइक पे रविचंद्रन अश्विन थे। अब दिनेश कार्तिक जो हैं वह सिंगल को डबल कन्वर्ट कर रहे थे और अश्विन जो है वह स्पीड के मामले में थोड़े से कम है, परंतु आपको बता दें कि 18वें ओवर में जब जोसेफ ने गेंद डाली तब डीके ने उसे लॉन्ग ऑन की तरफ घुमा दिया और दो रन लेना चाहा। दो रन तो पूरे जरूर हुए पर यह दो रन में काफ़ी फनी मोमेंट्स देखने को मिले। दोस्तों अल्जारी जोसेफ अपने गेंद को देख रहे थे और गेंद उनके हाथ में आ गई, परंतु जब दूसरा रन लिए नॉन स्ट्राइकर पे रविचंद्रन अश्विन अभी अर्धी पिच पर ही थे और वह रन क्रॉस नहीं कर सकते थे। अल्जारी जोसेफ गेंद हाथ में लेके अश्विन को देखने लगे और इतने में अश्विन ने डाई मारकर अपना रन पूरा कर लिया। अल्जारी जोसेफ की इस हरकत से रोहित शर्मा सहित पूरा ड्रेसिंग रूम काफ़ी खुश हुआ और काफ़ी फनी दिखाई दिए। आपको बता दें कि अल्जारी जोसेफ ने यह रनआउट मिस कर दिया दोस्तों और उसके बाद भारतीय टीम ने 190 रन का टारगेट दे मारा, जिसको चेज नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज टीम और 68 रन से भारतीय टीम जीत गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।